अलेक्जेंडर खान को जनता दल यूनाइटेड के अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ को नया अध्यक्ष चुना गया है। अलेक्जेंडर खान की नियुक्ति से पार्टी के अल्पसंख्यक मोर्चे में खुशी की लहर है। जेडीयू के अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ सहित पार्टी के तमाम नेताओं ने अलेक्जेंडर खान को नव नियुक्ति पर बधाई दी है। मौके पर अलेक्जेंडर खान ने कहा कि जिस तरह से हमारे नेता ने हम पर विश्वास किया है, तो हमारा भी लक्ष्य होगा कि पार्टी को मजबूत करें। अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के नव नियुक्त अध्यक्ष खान ने कहा कि शुरुआत से ही उनकी कोशिश होगी कि राज्य के तमाम अल्पसंख्यक समुदाय को जेडीयू से जोड़ा जाए। इन लोगों ने मेरा इस्तकबाल किया है। सबसे पहले मैं तमाम यहाँ पर जो साथी हैं उनको दिली मुबारकबाद देता हूँ, और फिर माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय नीतीश कुमार जी, माननीय RCP जी राष्ट्रीय अध्यक्ष जो हैं, और उमेश कुशवाहा जी का भी हार्दिक इस्तकबाल करता हूँ। इसलिए करता हूँ कि मुझे उन्होंने जो सम्मान दिया है और जो मेरी ड्यूटी है, उस ड्यूटी में मुझे सक्षम समझा, और ये समझा है कि ये जनता के बीच में सारी मेरी की गई बातों को, सारे की गए कारनामों को जनता के बीच पहुँचाएंगे। हम तमाम साथियों को ये पैगाम देने आए हैं, हम ये कहने आए हैं कि जब हमको ये पद दिया गया है, अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ का अध्यक्ष बनाया गया है, तो निश्चित तौर पर मुख्यमंत्री जी और CP जी ने और प्रदेश अध्यक्ष ने हमसे अच्छी उम्मीद रखी होगी, और ये सोचा होगा कि ये अच्छा करेंगे। और बिहार में अभी तक तमाम अल्पसंख्यक के लिए जो काम किए गए हैं, जो उनके फलाह बहबूद के लिए काम किए गए हैं, उनका प्रचार प्रसार आगे ना आइए जी, जनता के बीच होगा, तमाम तमाम अकलियतों के बीच होगा। और अकलियत पूरी तरह से जिस तरह नीतीश कुमार जी पर भरोसा करते हैं, इस बार तमाम लोग उनको वोट करेंगे और अपना मत देंगे।